आज हम बनाएंगे फास्ट वाले आलू जो जल्दी बन जाते हैं, फास्ट भी होगी और बहुत इजी भी बन जाएंगे। जब भी आपको सोमवार, आज सोमवार का दिन है तो इसलिए मैं फास्ट वाले आलू बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले चैनल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें आपको मेरे वीडियो कैसा लगते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी बॉयल आलू की। बॉयल आलू आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जब आपको जरूरत हो आप बॉयल आलू को फ्रिज में बॉयल करके फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। तो बॉयल आलू आपको ले ले लें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। फिर आपको काट देना अकॉर्डिंग टू आप जैसे किस तरह से खाना चाहते हैं, उस तरह से छोटे भी काट सकते हैं, बड़े भी काट सकते हैं। मैं थोड़े बड़े काट रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़े पसंद है इसलिए, ठीक है। इस तरह से बड़े बड़े साइज़ आपको आलू काट देने हैं, ठीक है। इस तरह से आलू काटने हैं आपको, इस तरह से 1/2, 1/3, 1/4 जैसे भी आप चाहो वैसा भी इन टुकड़ों में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही लजीज आलू बनने वाले हैं जो हमारे, जब खाना एक बार अगर आप खाओगे तो आलू को वही वाले खाना है मुझे। फास्ट होगा जिस दिन आपका मंडे का, बेसिकली आज फास्ट है। आज जो मंडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मंडे है तो मंडे के लिए मैं बना रहा हूँ। तो सोमवार को हमेशा फास्ट रहता है आपका, सोमवार के अलावा कोई भी आपका दिन फास्ट होगा, आप उस दिन आलू को ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए। तो इन आलू को आपको इस तरह से काट के इस तरह से रेडी कर देना है। इस तरह से आलू काटो के मैं रेडी हो चुका हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका तड़के की। तड़के में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब अपन क्या करते हैं बेसिकली घर में ऑयल डालते हैं या वो डालते हैं, जिससे फास्ट होता है उसी दिन आपको आपको हेल्थ जो होता है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी की जरूरत पड़ने के लिए तो नॉर्मली कोई भी आलू मतलब ऑयल तेल ले लेते हैं, तो तेल लेने से बेटर है आप घी लें। घी जो होता है बेटर होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के अकॉर्डिंग आपको घी लेना है। तो घी से क्या होगा, आपका पेट जो होगा वो भरा रहेगा और आपको खाली खाली नहीं लगेगा। जब अगर आप आलू का नाश्ता करते हैं तो आप उसके अंदर घी डाल देते हैं, तो घी से क्या होगा आपको आपके हेल्थ को प्रोटीन मिलता है, हेल्थ जो होती है प्रभाव करता है। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच घी लिया है, ठीक है, एक चम्मच घी लिया। तो घी को थोड़ा सा गर्म होना है, गर्म हो जिससे घी गर्म होगा तो इस तरह से। तो मेरा घी गर्म हो चुका है, फिर मैं इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड ही होती है, अपने फास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा कोई भी चीज़ बनाते हैं सब बना बनाते जिसे बनाते हैं आप हमेशा मस्टर्ड भी डालते हैं। तो फ्रेश मस्टर्ड लिया है मैंने इसके अंदर, ठीक है, जो अपना ऑल मस्टर्ड है आप देख सकते हैं, मस्टर्ड डाला मैंने। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के लिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बिना टेस्ट अधूरा रहे आलू का, इसलिए मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है। अब हमें आपको पता है कि हम जब आलू खा रहे हैं तो पाइपलाइन तो खाएंगे, तो ग्रीन चिली डालना जरूरी है। तो ग्रीन चिली डाले ताकि स्पाइसी आलू आप बनाओगे तब खाओगे तब अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दी इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन चिली डाली और इसको थोड़ा सा कुक करना है। ग्रीन चिली को हल्का सा आप कुक करोगे इस तरह से, ठीक है। कुक होने के बाद फिर उसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश हल्दी जो होती है, मैंने फ्रेश डाल हल्दी जस्ट अभी डाली थी इसलिए मैं फ्रेश हल्दी ले रहा हूँ। ये पैकेट वाली हल्दी आपको यूज़ करनी है जो आपको खाने के अंदर यूज़ मतलब एक बार यूज़ करते हैं, जो फास्ट में जो खाना बनाते हैं उसमें बताएगी वो एकदम साफ़ सुथरा बनाते हैं, इसलिए क्या होता है फ्रेश हल्दी मैंने डाली थी वो ली है मैंने। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने डाल देने पोटेटो जो अपने आलू काटे थे उस तरह से काट के आपको इसके अंदर डालने हैं। फिर उसके बाद हमें करना मैश को ना अच्छे से मैश करेंगे, जिस तरह से आपको मतलब कढ़ाई के अंदर या पेन के अंदर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके अंदर आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फैक्ट्री में कभी बनेगा, आराम से इजीली आपके घर के अंदर आप बनाते हैं। आलू की ड्राई नमक ड्राई होगा इस सब्जी का, आप किचन में बच्चों के अंदर भी डाल सकते हैं। जैन है, प्योर जैन भी है, जैन लोग भी इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो जैन अगर जैन के लिए जो किड्स होते हैं बच्चे होते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर जल्दी से टिफिन के अंदर क्या डाल रहे हैं, आप पराठा डाल सकते हो साथ में, इडली वाली सब्जी डाल दो बहुत ही प्यारी। इसके अंदर मैंने सेंधा नमक डाला था जब भी मैं डाल रहा था, सेंधा नमक भी पड़ता है वो बता फास्ट के लिए। तो मैंने फास्ट बेसिकली रेसिपी मैंने फास्ट वाले लोगों के लिए बनाई है। फास्ट जो फास्ट होते हैं मंडे का, इसलिए आज मंडे है तो मंडे को मैंने वीडियो बनाया था फास्ट के अंदर। मैंने सेंधा नमक डाला था, सेंधा नमक डालने का थोड़ा सा मैं इसमें लेमन डालूंगा उसको चटपटा करने के लिए, ताकि आपको खाने के अंदर जो वाव वाला फैक्टर आएगा वो वाला इसके बाद लेमन डालने के बाद ही आएगा, क्योंकि लेमन डाल चुका मैंने। थोड़ा सा थोड़ी देर आपको मिक्स कर देना अच्छे से, ठीक है। ये हमारे आलू मतलब इस तरह से प्रॉपर टेस्ट आ चुका है इसका। तो मेरे चैनल को वीडियो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और मेरी रेसिपी आपको बताएं कि आप मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, आई नो डाउट मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आई हम्बली सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और वीडियो को एंड तक देखते रहें। आप एंड तक देखते हैं मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होगी गार्निश की बारी। गार्निश की बारी के अंदर मैंने आलू मेरे रेडी हो चुके हैं, तो इस तरह से बॉल के अंदर डाल रहा हूँ मैं। तो चॉप लास्ट फिनिशिंग के अंदर मैं थोड़ा सा इसके अंदर चॉप धनिया डाला था। चॉप धनिया डालने के बाद उसको थोड़ी देर कुक किया था, उसके बाद ये आलू मैंने रेडी हो चुके हैं। और रेडी आलू
बट मैंने सर्व कर चुका हूँ डिश के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं प्रॉपर मैंने मतलब बना मतलब आलू बना चुका हूँ क्योंकि मतलब खाने के अंदर देखने में ऐसे वाव फैक्टर लग रहा है कि पोटेटो ऐसे मतलब एकदम मस्त लग रहे हैं आपको खाने से रह नहीं पाओगे आप ठीक है इस तरह से ठीक है तो दानिश के अंदर आपको इस तरह से धनिया डालना है इस तरह से मैं आपको बता दें धनिया के बंच दानिश करता हूँ इस तरह से धनिया के बंच का दानिश कर देना है आपको ठीक है और बन के रेडी है आपको फास्ट वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।